Hey, so what is up guys? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप जीमेल स्टोरेज फुल वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा भी जीमेल का स्टोरेज यहाँ पे फुल हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर पावर टाइम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन। तो मैं सबसे पहले अपना जीमेल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा भी यहाँ पे स्टोरेज फुल हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। हाँ, आप लोग देख सकते हो हम गॉन आउट ऑफ स्टोरेज, मतलब स्टोरेज यहाँ पे फुल हो चुका है। 16 GB और 15 GB भर चुका है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 16.2 GB और 15 GB यूज्ड। आपको सिंपली यहाँ पे मैनेज स्टोरेज पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर बाय कर सकते हो, 130 पर मंथ आपका लगेगा यहाँ पर पैसा, 100 GB का स्टोरेज आपको मिल जाएगा। बट मैं आपको वो नहीं बताने वाला हूँ, आपको बताता हूँ कि आप कैसे स्टोरेज फ्री कर सकते हो। वो सिंपली यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा स्टोरेज यूज्ड, कितना किस में यूज हुआ है, गूगल फोटोज, जीमेल, व्हाट्सएप। आपको सिंपली यहाँ पे क्लीन अप पे क्लिक करना है और मोर डिटेल्स आप लोग देख लेना कि कहाँ आपका स्टोरेज भरा हुआ है। और आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्लीन अप सजेस्टेड आइटम्स, लार्ज फाइल्स, ईमेल विथ अटैचमेंट्स, लार्ज फोटोज एंड वीडियोज, 8 GB, ऐसा करके। तो आपको सिंपली यहाँ पे लार्ज फाइल्स आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे दो फाइल है, आप लोग ऐसे चेक करके जो मतलब क्लियर करना होगा कर देना। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ईमेल्स विथ लार्ज अटैचमेंट्स, यहाँ पे मेरा यहाँ पे ईमेल दिख रहा है वो आप लोगों को। बाकी एक लास्ट ऑप्शन है, ये मेन होता है लार्ज फोटोज एंड वीडियोज, यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज रहता है, देख सकते हो। सिंपली बहुत आसानी से आप इसे क्लियर कर सकते हो। ओके, एंड देन आप देख सकते हो मैनेज करके। और हाँ, आप लोग ऑटो बैकअप ऑफ कर लेना, वो फोटोज से होगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको सिंपली फोटोज ओपन कर लेना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा यहाँ पे बैकअप ऑफ है, मतलब मैंने यहाँ पे ऑफ कर लिया है। आपको सिंपली टर्न ऑफ बैकअप पे क्लिक कर देना है, मेरा तो यहाँ पे ऑफ है, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा टर्न ऑन बैकअप, ऐसा करके आपको वहाँ पे दिखेगा टर्न ऑफ बैकअप, तो आप सिंपली उसे ऑफ कर देना और आपका सारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो यही थे कुछ कॉमन वे जिससे आप अपने जीमेल के स्टोरेज को मैनेज कर सकते हो, मतलब आप उस पर स्टोरेज खाली कर लेना, मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया। तो मैं मिलता हूँ किसी और नई अच्छी वीडियो में किसी और नई अच्छी टॉपिक के साथ। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।